ओके बाय। तो हमें टिकट मिल चुकी है, दिखाओ कितने की मिली है। फिर कौन करता है, हमें जिधर मेरा फायदा हो गया है आगे बैठने का, जिससे मेरी तबीयत खराब हुई है। प्याज मत कर राइट, और ये है पनीर बटर मिक्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट एंड आई एम गुड टू। तो हम लोग कल रात को वापस आ गए थे नारकंडा से। हमने हाटू पीक घूमा, हमने वहाँ पे पूरी एक एक चीज़ इंजॉय की और द व्यू वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। वो आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देख लिया होगा। और कल रात को हम आ गए थे शिमला। हम हैं एक्चुअली, हमने यहाँ पे चेक इन कर लिया था विलीज पार्क शिमला में, और मैं रात को कुछ शूट नहीं कर पाई। हम रिज भी गए और इतनी ज़्यादा भीड़ थी रात को, मतलब इतना ज़्यादा क्योटिक था, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं कुछ शूट नहीं कर पाई और अभी मैं हूँ रूम में और मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। बस अभी हम चेकआउट करेंगे थोड़ी देर में, तो मैंने सोचा कि फटाफट आपको मैं एक बार व्यू दिखा देती हूँ कि जो मेरे रूम से है। ठीक है, तो दिस इज़ माई रूम एंड दिस इज़ मी, इग्नोर मी। ओके, सो ये रहा हमारा रूम और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर व्यू, जो रात को इतना ज़्यादा खूबसूरत था। और मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं बाहर जाऊँगी कहीं मंकी ना मिल जाए। वेट, पहले मुझे जाने दो बाहर। ओके, तो मैं जाती हूँ बाहर। लेट्स जस्ट होप कोई मंकी ना हो। नहीं है, आ जाओ यार, उनका भरोसा नहीं। वैसे भी हम लोग एंड में हैं। आई हेट मंकीज मैन, आई हेट। ओके कम आउट। वाओ, और आज सुबह बारिश हो रही थी। नहीं, बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम एकदम यू नो वैसा सुहाना सा हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था। बट अभी थोड़ी धूप निकल आई है, बट कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छा है। जस्ट सी दिस, और ये पूरा लिट हो रखा था पूरा रात को ना। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा, और ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे ये वाले पेड़ देखो, ये वाले पेड़ हर जगह है, ये डंडे जैसे खड़े हैं ना पेड़। हाँ ये वाले बड़े सुंदर है। ये मुझे लगता है इसी की वजह से शिमला ज़्यादा सुंदर लगता है, यू नो बिकॉज ऑफ द वेजिटेशन। आई एम ऑलवेज राइट। तो चलो अब दीदी और जीजू को पूछती हूँ मैं कि तैयार हुए कि नहीं हुए, चलते हैं फिर वहां पे। आउट, आ गए, हो गए, लगेज ले गए वो लोग, लगेज तो हमारे लगेज जा चुके हैं और बस हम भी चलते हैं फटाफट। चलो चेक कर लेना सब कुछ। हाँ नहीं, तो हम आज के लिफ्ट पे, जीजू ऊपर ऑलरेडी चले गए हैं और अब हम भी जाएंगे ऊपर। और मैंने फिर से कंगी नहीं की, वह सिंबल को ऐसे करके घूमती रहती हूँ मैं। अरे मैं कुछ निकालने लगी थी, मेरी चेन ये ना अड़ गई यहाँ पे। हाँ चलो 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 चलो, कहाँ पे जाना हमने? माइनस नहीं, ग्राउंड पे। टू ओपन माई हेयर, या दिस इज मच बेटर राइट। तो जीजू अभी बिजी हैं और किसी ने गाड़ी निकालनी है, तो रजित को बोला है कि थोड़ा आगे करो, गाड़ी करो जल्दी फटाफट। ये पीछे मार क्यों रहा है गमुंदा, जाते रहे हम लोग आगे। दिखा ना, यस दीदी का आउटफिट वही थे। तो जो हमने उस दिन ऑनलाइन ऑर्डर किए थे वो एक्चुअली हमने दीदी के लिए ऑर्डर किए थे। एज यू कैन सी शी इज वेयरिंग दैट सेम जंपसूट। और जीजू भी आ चुके हैं और बस सामान सेट हो गया अंदर। मेरा फायदा हो गया है आगे बैठने का, जब से मेरी तबीयत खराब हुई है मुझे आगे बिठाया जा रहा है, तो मैं आगे बैठी। हाँ एक्चुअली मैंने ना आपको होटल दिखाना था, होटल दिखाना था, मैं आपको दिखाऊं फटाफट। रचित बोल रहे कि बहुत सुंदर होटल है, तो दिखाना बनता है। आउच, वन सेकेंड। हाँ यस आई विल शो, वन सेकेंड आई एम शोइंग, ही सेइंग कि होटल दिखाओ बहुत अच्छा है। ओके सो दिस इज द होटल, और मैं आई मस्ट टेल यू, कल हमने इतने होटल ढूंढे हैं शिमला में और ये प्रॉपर्टी इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है। आपके पास पार्किंग स्पेस है, आपके पास सुंदर व्यू है, आपके पास सब कुछ है यहाँ पे। उस कियोस्क में रहने की जगह है, आपको यहाँ रहना चाहिए। सो दिस इज द पोर्च, फटाफट दिखाती हूँ मैं, टाइम नहीं है हमारे पास। सो
दिस इज द पोर्च, और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इसमें कमर्शियल सेक्शन अलग है और गवर्नमेंट सेक्शन अलग है। तो जो गवर्नमेंट के हैं वो उस साइड है और हम लोग कमर्शियल वाले में रहते हैं। और इसका टैरिफ है 3,000 प्लस GST पर नाइट, राइट? यस, तो थोड़ा ठीक है, मैनेजेबल है। चलो ओके, सो हम लोग बैठ चुके हैं अपनी कार में एंड नाउ वी आर गोइंग टू एडवांस स्टडी शिमला, क्योंकि जीजू बोल रहे हो बहुत सुंदर जगह है, फुल ऑफ ग्रीनरी। तो ऑब्वियसली अगर ऐसी अच्छी जगह है तो हम तो जाएंगे। यस, तो दीदी हेलो बोल दो। चलो रचित से हेलो, जीजू हेलो हेलो। सो यस, और आज हमारा लास्ट डे है, हम जी, सिर्फ गुड मॉर्निंग, कैसे वीकेंड पे आए थे। ओके जीजू, बात करो। हैं जी? ओके, तो हम लोग यहाँ पे आ गए एडवांस स्टडी में, बट दे आर सेइंग कि गाड़ी ऊपर जाएगी बट आपको ड्रॉप करके फिर से वापस आना पड़ेगा यहाँ पे पार्क करने। तो हमने बोला कि हम पार्क करके हम चारों इकट्ठे ही जाएंगे, अब ऐसे एक बंदा छोड़ने आएगा ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तो बस अभी जीजू पार्क कर रहे हैं और अब हम जाएंगे ऊपर। आप बिल्कुल लग रही है ना, लग रही है ना? अब थोड़ी सी ठंड लग रही है, दीदी बोल रही थी स्वेटर डाल लेना, पर मुझे लगा इतनी नहीं होएगी। अभी भी गाड़ी से ले आए? नहीं ठीक है, तो हम मैं दीदी मैं हम गाड़ी से स्वेटर ले आते क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगी थी, और यार दीदी वर्सेस जीजू चल रहा काफी है। यस, कमेंट फॉर जीजू और लाइक फॉर दीदी। लाइक करना ज्यादा इजी है ना, क्योंकि कमेंट बहुत कम होते हैं। तो बस ठंड लग रही थी तो मैं स्वेटर ले आए गाड़ी से, और अब हम जा रहे हैं, 400 मीटर्स की वॉक है, सो लेट्स गो। और ऊपर बोल रहे कि कैंटीन भी है, तो मे बी ब्रेकफास्ट वहीं कर लेंगे, भूख तो लगी है। सो फाइनली इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद वी हैव रीच्ड टू आवर डेस्टिनेशन, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस स्टडीज। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट या पटाखों की जगह, जो मेरे लिए तो है नहीं एक्चुअली, बट यू नो दीदी एंड जीजू इज वेरी एक्साइटेड, रजित इज एक्साइटेड टू सी इट, सो लेट्स सी इट, कम ऑन इन। सो हम लोग पढ़ाई करने वाली जगह पहुंच चुके हैं, और आपको पता ही है कॉलेज में यू नो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, एक होता है जिनको खाना 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 होता है, हम उस ग्रुप में से हैं, तो हम सबसे पहले कैंटीन जा रहे हैं, भूख लगी है, उसके बाद देखेंगे। तो हम लोग खाने के लालच से यहाँ पे आए तो थे, लेकिन मेन्यू देखा तो यहाँ पे सिर्फ पैटी, पनीर रोल, बर्गर, ये सब कुछ है, और ब्रेकफास्ट में बर्गर कौन खाता है? तो हमने सोचा पहले हम लोग घूमते हैं, देन वील सी वट वी हैव टू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। सो हमें टिकट मिल चुकी है, दिखाओ कितने की मिली है। ये 30 रुपीज़ ईच है, थर्टी इसमें रुपीज़ सिर्फ गार्डन ईच टूर है। सिर्फ गार्डन वाला, हमने अंदर वाला नहीं लिया ना, अंदर वाला नहीं लिया क्योंकि अंदर कौन जाए यार, हमें बाहर बाहर ही अच्छा लगता है यू नो। तो बस अब हम चल रहे हैं। मुझे अभी बताया गया है कि यहाँ पे 3 डेट की शूटिंग हुई है, और उस सीन में वो लोग यहाँ से भाग के आते हैं और उधर से गाड़ी से चले जाते हैं लोटे के साथ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? मोर देन बिल्डिंग। जीजू इज सो मेस्मराइज्ड कि वो पूरा अकेले, देखो वहां खड़े है, वो देखो वहां खड़े है, जीजू को अक्षय कुमार वाला पोज लेके पूरा इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं। बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं पूरा इतना घूम घूम के, और मेरे ना पैर में भी चोट लग गई है छोटी सी ना, मैं कैसे दिखाऊं, क्योंकि मैंने हील्स डाली थी तो थोड़ी सी चोट भी लग गई क्योंकि हील्स में चल रही थी मैं। तो बस हम लोग निकल रहे हैं, पहले प्लान था कि अभी मॉल रोड जाएं, बट यू नो मंकीज प्लस क्राउड, सो वी नॉट गोना गो देयर, बस देख लिया शिमला जितना देखना था। अब हम पकड़ रहे हैं चंडीगढ़ का रूट, अब जा रहे हैं वापस घर, एंड अभी लग रही है भूख, तो रास्ते में जो भी ढाबा मिलेगा, रेस्टोरेंट मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, विल गो देयर एंड ईट। ओके बाय शिमला। क्या जॉन मुझे परेशान कर रहा है मुझे, चलो बाय, अब खाना खाते हुए मिलती हूँ मैं, उसको बंद करो। रुके हैं, मुझे चेरी दिख रही थी पूरे रास्ते में और प्लम भी दिख रहे थे, तो मेरा मन था कि उन्होंने खाने का, तो मैं पूछ रही हूँ कि मुझे मीठी चाहिए। मीठी मिलेगी? ये कितने का है? ये वाला 200 का, ये बड़े साइज में होगा, ये चेरी प्लम से अलग क्वालिटी है। जीजू कौन सा खाना है? देखना अभी, अच्छा लगेगा आपको मीठा ये। ए प्लम है सर ये? हाँ वो चेरी है ऊपर, वो बता, वो है चेरी। हाँ जी, ये प्लम है। कैसा है? अच्छा टेस्ट देगा अभी। अच्छा हाँ ये दे दो, पके पके से ना, बड़े बड़े पके पके डाल दो हमारे लिए, नए रहे फ्रेश। तो
अभी भैया हमारे लिए पके पके वाले अलग कर रहे हैं, मीठे मीठे। कुम्मानी चेरी, चेरी भी दे दो। रुको पहले पैसे देखते हैं वो कितने हैं। तो ये चेरी है, मैं इसको खा के देख रही हूँ कैसे है। अरे खाली है वो, मतलब ठीक है। दीदी देख चेरी कैसी है खानी। पूरे में 50 रुपए की ले रही हूँ प्लम और 50 रुपए की ले रही हूँ चेरी। जीजू ने लिया ये वाली, इसको बोलते हैं एप्रिकॉट और खुमानी। और कैसी है, ठीक है कि नहीं है? चलो बाद में खा के देखेंगे। और मैं उनको बोल रही हूँ मुझे 50 रुपए की चेरी दे दो, बोल रहे हैं बहुत महंगी है। चलो ये काफी है, ये भी ले लिए प्लम बड़े वाले, वो देख लो। और ये बड़े वाले मैंने लिए, छोटे वाले प्लम। जीजू ने लिए बड़े वाले प्लम भी लिए हुए हैं। मिर्च तोरी है ना, लूणों के साथ मिर्च के साथ खाती है। अच्छा खाते हैं इसको नमक मिर्च के साथ, लाल मिर्च और नमक इकट्ठे करके। अच्छा आपने इसको ब्लैक सॉल्ट, देखो ये कच्चे बादाम है, मुझे नहीं पता इसको कैसे खाते हैं और ये क्या है। बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, बोला जा रहा है स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा। असल में इसलिए देखो ऐसे रखते हैं चेरी को। हां मैंने टीवी में देखी है। खुश अच्छा बहुत। ओके सो अब हम रुके हैं, तो अभी हम रुके हैं इस रेस्टोरेंट पे अंदाज, अंदाज शिमला, मतलब शिमला से थोड़ा आगे है। और मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख, मुझे क्या सबको लगी है क्योंकि किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। एंड राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 12:45, तो भूख लगी है। तो अंदर चलते हैं। तो थर्ड फ्लोर पे रेस्टोरेंट, सो वी आर गोइंग देयर। ठीक है, तो हमें हमारा टेबल मिल गया है। एंड हियर इज द मेन्यू। और पीछे आप एक बार व्यू देखो, इट्स अमेजिंग। अब जब खाना आएगा मैं आपसे तब मिलूंगी, ठीक है? अब मुझे भूख लग रही है। तो हमने खाना मंगवा लिया था, फिर रखो कोई बात नहीं, और खाना आ चुका है। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या मंगवाया है। वेरी गुड, बड़ा अच्छा लग रहा है, लच्छा पराठा। नेक्स्ट इज दिस इज पनीर बटर मसाला जो रचित और जीजू का है। और ये आ गया मेरा चिकन, मेरा और दीदी का मतलब। और ये हमारा चिकन। और ये आ गए नान, इतने सारे यहाँ पे आ गए नान। अब पास से दिखाओ, आओ चिट्टा। सो दिस इज द चिकन करी। तो इनकी यहाँ की स्पेशल की करी है, बोला था ना मैंने कैसी निकलेगी। और ये है पनीर बटर मसाला। चिट्टा चलो अब Let's eat, okay? So first I will add some chicken. अबे यार ये तो करी है, मेरे को था कि थोड़ा सूखा सूखा सा होता। चलो क्या लच्छा पराठा और सैलेड आ गया जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या? सो लेट्स चल पास करो, ठीक है? काफी डिफरेंट है जिस जो हम चीजें खाते हैं ना, ये करी वाली है। वेरी गुड, बहुत अच्छी है। यम्मी। चलो अब हम मिलते हैं खा के, ठीक है? भूख लगी है क्योंकि बहुत। तो बस हमने खाना खा लिया है और बहुत टेस्टी खाना था। और अब तो हम जा रहे हैं सीधा चंडीगढ़ की तरफ। आई डोंट थिंक सो कहीं बीच में रुकेंगे, अगर रुकेंगे तो हम मिल लेंगे, वरना यहीं पे आप बाय समझो। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी मैं आपको, और आप भी इंजॉय करो पीछे का। बहुत सुंदर, देखो उन्होंने चेयर्स भी अच्छी अच्छी रखी है यहाँ बैठने के लिए। बट अभी धूप है तो यहाँ तो बैठ के कुछ मिलेगा नहीं। दीदी वर्सेस जीजू भी खत्म हो चुका है मेरे ख्याल से। तो अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, दीदी बोल रही है। चलो बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।